गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर फिलोसफी की क्लास में हम हमारा पहला पेपर पश्चिमी दर्शन का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें हमने हमारे सिलेबस का हिस्सा अनुभववाद और अनुभववाद के दार्शनिकों जॉन लॉक बर्कले को पढ़ा। आज हम हमारे आखिरी अनुभववादी दार्शनिक डेविड ह्यूम को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने डेविड ह्यूम की ज्ञान मीमांसा को जाना था। उसके घटक कौन कौन से थे हमने ये देखा, और साथ ही हमने देखा कि वो ज्ञान के कौन से प्रकार मानते हैं। साथ ही वो ये बता रहे थे, हमने ये जाना कि उनके हिसाब से ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। उनके हिसाब से ज्ञान का निर्माण होता है प्रत्ययों के मध्य संबंध से। अब चूँकि डेविड ह्यूम एक अनुभववादी दार्शनिक हैं, तो वो किसी भी चीज़ को पूर्व मान्यता के रूप में स्वीकार करके आप आगे नहीं बढ़ते। वो ये कहते हैं कि उसी की सत्ता को स्वीकार किया जाएगा जिसका अनुभव होगा। अगर किसी चीज़ का अनुभव नहीं होता है तो हम उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। और जो ज्ञान है, जिसे प्रमाणिक ज्ञान कह सकते हैं, नवीन ज्ञान कह सकते हैं, हमारा व्यवहारिक ज्ञान कह सकते हैं, उपयोगी ज्ञान कह सकते हैं, वो हमें अनुभव से मिलता है। बुद्धि उनमें से व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करती है या फिर उस ज्ञान के नियमन का कार्य करती है। इसके अलावा बुद्धि का कोई और रोल नहीं है। मतलब बुद्धि ज्ञान का निर्माण नहीं करती है, ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से नहीं होती है। ज्ञान में व्यवस्था स्थापित करने का कार्य जरूर बुद्धि करती है। तो आज हम देखेंगे कि ह्यूम ने चूँकि अनुभववाद की उसी परंपरा पर चलते हुए या उसी विचार पर चलते हुए जिसे जॉन लॉक ने दिया था कि हम सिर्फ प्रत्ययों को जान सकते हैं, प्रत्ययों के अधिष्ठान के बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, फिर आगे जाके बर्कले ने भी यही बात दोहराई थी, तो ह्यूम भी बिना किसी पूर्व मान्यता के ये कहते हैं कि हमें सिर्फ प्रत्ययों का ज्ञान होता है। हमने उनकी क्लास में देखा था कि वो दो प्रकार के घटक ज्ञान के स्वीकार करते हैं, एक संस्कार और एक प्रत्यय, जिसमें जो संस्कार हैं वो साक्षात प्रत्यक्ष से जो प्रत्यय उत्पन्न होते हैं उनके लिए, या साक्षात प्रत्यक्ष की जो छाप हमारे मनस पर पड़ती है उनको संस्कार कहते हैं। बिल्कुल वही जिसे जॉन लॉक ने संवेदन स्वय संवेदन कहा था। जॉन लॉक ने और बर्कले ने तत्वमीमांसीय पूर्वाग्रहों को स्वीकार किया, या तत्वमीमांसा के ऐसे तत्वों को जिन्हें वो देखते सुनते आए बचपन से उन्हें स्वीकार कर लिया अनुभववाद से परे जाकर, जबकि ह्यूम ने अनुभववाद पर टिके रहकर उन सभी तत्वमीमांसीय पूर्वाग्रहों को नहीं स्वीकार किया जिसे वो अनुभव से सिद्ध नहीं कर सकते थे। अब ऐसा ही एक जो हम ये कह सकते हैं कि एक मान्यता है जिसको सभी, चाहे वो विज्ञान के शुद्धार्थी हों, चाहे विज्ञान के शुद्धार्थी हों या पढ़ने लिखने वाले हों, इसी तरीके से दर्शन के पढ़ने लिखने वाले हों या धर्मशास्त्र के पढ़ने लिखने वाले हों, सभी एक रूप में स्वीकार करते हैं, वो है कारणता का नियम। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कारणता के नियम को एक अनिवार्य नियम मानते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे गणित के नियम होते हैं, जैसे रेखा गणित के नियम होते हैं कि दो और दो मिलके चार होते हैं। ये एक अनिवार्य नियम है, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, देश काल बदलने से ये जोड़ नहीं बदलेगा। उसी तरीके से कारणता का नियम है। कारणता का नियम ये कहता है कि एक कोई कारण होता है जो सदैव पहले आता है और उसमें से किसी कार्य की उत्पत्ति होती है जो कारण के बाद में आता है, तो ये कारण कार्य कहता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि जगत में हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ये कारणता का नियम है। इसको भौतिक शास्त्री स्वीकार करते हैं जड़ तत्व के लिए, ईश्वरवादी स्वीकार करते हैं ईश्वर के लिए, इसी तरीके से दार्शनिक स्वीकार करते हैं आत्मा की सत्ता के लिए। तो सभी लोग कारणता के नियम को स्वीकार करते हैं। यहाँ पर डेविड ह्यूम ये कहते हैं कि कारणता के नियम को तो माना जा सकता है, लेकिन ये कोई अनिवार्य या वस्तुगत नियम नहीं है। मतलब बाह्य जगत में इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये हमारा एक मनोवैज्ञानिक विश्वास है। अनिवार्य सत्ता इसकी नहीं है। तो इस मनोवैज्ञानिक विश्वास को प्रूव करने के लिए कि कारणता का नियम एक मनोवैज्ञानिक विश्वास है, डेविड ह्यूम ये बताते हैं कि कुछ ऐसे घटक हैं या कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसकी वजह से हम कारणता के नियम को एक अनिवार्य नियम मान लेते हैं, जबकि कारणता का जो नियम है वो एक मनोवैज्ञानिक विश्वास है। वो कहता है कि सबसे पहले तो देशगत सामिप्य, मतलब हम हमेशा कारण और कार्य को एक साथ देखते हैं,
एक समय में देखते हैं, एक जगह में देखते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि ये वस्तु होगी तो दूसरी वस्तु भी जरूर होगी। जैसे मान लीजिए कोई ये कहता है कि रात से पहले दिन आता है, और फिर कोई ये कहने लगे कि रात का जो कारण है वो दिन है, तो ये हमेशा होता है और हम इन्हें हमेशा नज़दीक भी देखते हैं कि पहले दिन आता है फिर कारण आता है, तो इसकी वजह से रात का कारण दिन को नहीं माना जा सकता। मतलब अगर कोई दो वस्तुएं सदैव साथ दिखती हैं किसी जगह किसी स्थान में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनमें से कोई एक कारण है और दूसरा कोई कार्य है। एक घटक, दूसरा घटक उन्होंने माना है अनंतर्य का। वो ये कहते हैं कि सदैव एक वस्तु दूसरी वस्तु के बाद आए तब भी ये मान लिया जाता है कि ये कारण है और दूसरा कार्य है। तो उनका कहना है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई दो वस्तुओं को सदैव हम साथ देखें तो हम ये कहें कि इसकी वजह से ये होता है। तीसरा घटक जो उन्होंने स्वीकार किया वो अनिवार्यता का घटक है। वो ये कहते हैं कि दो वस्तुओं का संयोग जब आप होते हुए देखते हैं निरंतर, तो भी एक वजह से आप ये मान लेते हैं कि इनमें कारण कार्य का संबंध होगा। एक बात वो ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ जो पहले आए वो कारण ही कहलाए और लगातार पहले आए, जिसमें पहले बता चुके कि हम रात का कारण दिन को स्वीकार नहीं कर सकते। तो जैसे एक एग्जांपल उसने दिया है कि हम आग में जब हाथ डालते हैं तो हमारा हाथ जलता है, तो इसका कारण हम किसे माने, मतलब हमारे हाथ के जलना एक घटना है, इसका कारण क्या हम आग को माने, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि आज तक मेरा हाथ आग में डालने पर जला, ये बहुत सारे अनुभवों से ऐसा हुआ और मैंने स्वीकार कर लिया कि आग में हाथ डालने से मेरा हाथ जलता है। ये एक सामान्यीकरण है जिसे आगमनात्मक सामान्यीकरण कहते हैं। विज्ञान इस पर आधारित होता है, धर्मशास्त्र भी इस पर आधारित होता है। ये लोग मानते हैं कि हम एक दो तीन चार ऐसी घटनाओं को अगर लगातार होते हुए देखते हैं तो हम एक नियम बना देते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। विज्ञान इस आगमनात्मक विश्वास के आधार पर आगे बढ़ता है, जबकि ह्यूम कहता है कि हम इसे स्वीकार नहीं करते। अब ह्यूम कहता है कि हमारे मन में कारणता जन्म क्यों लेती है। वो ये कहते हैं कि जब भी हम किन्हीं दो घटनाओं को एक साथ होते हुए देखते हैं तो हम एक के होने पर दूसरे की आशा करने लगते हैं, जिसे उन्होंने प्रत्याशा कहा है, एक्सपेक्टेशन कहा है। और हमने पहले देखा था कि उन्होंने बताया था कि एक लॉ ऑफ एसोसिएशन होता है जो प्रत्ययों के मध्य संबंध को बताता है, जिसका मतलब होता है कि आपने दो चीज़ों को सदैव साथ देखा तो हमारी कल्पना उनमें संबंध स्थापित कर देती है। तो यही वो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि कारणता का नियम हमारी कल्पना स्थापित करती है। जब हमने लगातार दो प्रत्ययों को साथ में देखा तो हमारी कल्पना उनमें एक संबंध बना देती है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि कारणता का नियम है। तो इस प्रकार कारणता का नियम जन्म लेता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि डेविड ह्यूम कारणता को नकारता है, ह्यूम कारणता को नहीं नकारता। ह्यूम ये कहता है कि मैं कारणता को स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि कारणता एक वस्तुगत अनिवार्य नियम है। ये उसी तरीके से अनिवार्य या वास्तविक है जिस तरीके से बाह्य जगत की वस्तुएं, बोले उनकी स्वतंत्र सत्ता है, उस तरीके से कारण के नियम की स्वतंत्र सत्ता नहीं मान सकते। कारण का नियम एक हमारी कल्पना द्वारा स्थापित एक विश्वास है। हम ऐसा मानते हैं कि ये होगा तो ये होगा, आज तक होता आया है, ज़रूरी नहीं है वो आगे भी हो, और भूतकाल में भी सदैव ऐसा रहा, हम ये भी स्वीकार नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि डेविड ह्यूम कारणता के नियम को स्वीकार तो करते हैं लेकिन उसे अनिवार्य नहीं मानते, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक विश्वास मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि विज्ञान, दर्शन, धर्मशास्त्र, जितने भी विषय क्षेत्र हैं, वो ये कहें कि हमारा ज्ञान अनिवार्य है, और ऐसा अगर वो दावा करते हैं तो ये दावा ठीक नहीं है। तो आज हमने ये देखा कि ह्यूम कारणता के नियम का खंडन करते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि ह्यूम आत्मा का, ईश्वर का, इन सभी तत्व मानसीय प्रत्ययों का भी खंडन करके बताते हैं कि अनुभववाद के आधार पर तो हम इनको स्वीकार नहीं कर सकते। इन्हें स्वीकार आप कर सकते हैं लेकिन अनुभववाद के आधार पर हम इन्हें सिद्ध नहीं कर सकते। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।